चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा की हार से कांग्रेस एक बड़ा लेसन लेगी। जी हाँ, बड़ी सीख लेगी। जातीय समीकरणों के मद्देनजर संगठन में सर्जरी होगी। युवा चेहरों पर भी दाव लगाने के लिए मंथन होगा। जातीय आधार पर नेता प्रतिपक्ष का फैसला होगा। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा की हार से कांग्रेस बड़ी सीख लेगी। और आपको बता दें जातीय समीकरणों के मद्देनजर अब संगठन में सर्जरी की जाएगी, यानी संगठन में जो है पैसे लिए जाएंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा की हार से कांग्रेस बड़ी सीख लेगी, बड़ा लेसन लेगी। और इसी के मद्देनजर अब जो है आने वाले समय में रणनीति बनाई जाएगी। हमारे सहयोगी शबाना बानो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी शबाना से लेंगे। शबाना, जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई है मध्य प्रदेश में और अब आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस जो है अपनी हार से बड़ा लेसन लेने वाली है। जी देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव था वो खत्म हो चुका है। बीजेपी सीएम फेस को लेकर जो है सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच दोनों ही पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हारी हुई सीटों का दौरा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस जो है वो कमलनाथ के साथ ही जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। हालांकि ये खबर आ रही थी कि कमलनाथ इस्तीफा देंगे, अब लोकसभा चुनाव किसी और प्रदेश अध्यक्ष के जो नेतृत्व में वो लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इस सब सस्पेंस को खत्म कर दिया और कहा कि जो है कमलनाथ के नेतृत्व में ही जो है कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, सर्वे करवाया जाएगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से, और जो प्रत्याशी सर्वे में सबसे टॉप पर रहेंगे उन्हें जो है लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा। सर्वे के बाद जो है राय शुमारी की जाएगी मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में, इसके बाद आलाकमान को रिपोर्ट दी जाएगी। अंतिम मोहर जो है आलाकमान लगाएगा नामों को लेकर, और तमाम तरह की जो कांग्रेस की तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर वो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब एक साल बाद जो है लोकसभा चुनाव, ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहेगी कि पिछली बार जो 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, मात्र एक सीट छिंदवाड़ा जो है कांग्रेस जीती थी। नकुलनाथ प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे हैं, वो जीते थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार चाहेगी तो 2-4 सीटें और उनके खाते में आ सके, जिसके लिए कांग्रेस यहां पर पुरजोर कोशिश करेगी। जी शुभान, अगर हम बात करें जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, जो सीटें वैसे तो बीजेपी इस बार बहुमत से जीती है, लेकिन जिन जिन सीटों पर बीजेपी हारी है वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरा कर रहे हैं, कई बड़े चेहरे जा के दौरा कर रहे हैं और कमियाँ देख रहे हैं, तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि मेहनत यहाँ पर पार्टी द्वारा पूरी की जा रही है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस क्या कुछ ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में ये दिखाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस का जो काम था
जो कांग्रेस ने काम किया था मध्य प्रदेश में और केंद्र में उसको दिखाने की कोशिश करेगी, और जो सरकार की योजना है, डबल इंजन सरकार की योजना है, उसका विरोध कर जनता के मन में अपनी जगह बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछली बार 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी, मात्र एक ज्योति वो कांग्रेस के पास। अब शुभाना देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे हमें तस्वीरें देखने को मिलती है और लोकसभा में कितना कड़ा मुकाबला रहता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।